अंचल अधिकारी तोपचाची के द्वारा गोमो के कई मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया गया। गोमो तोपचाची प्रखंड के अंचल अधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी के द्वारा गोमो के पुरानी बाजार स्थित कई मिठाई दुकानों सहित मिठाई बनाने के कारखानों का निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में अंचल अधिकारी ने सभी दुकानों की साफ सफाई, दुकानों का लाइसेंस, मिठाई की क्वालिटी, फूड सामानों का एक्सपायरी डेट आदि की जांच पड़ताल की गई। साथ ही सभी दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का अच्छी तरह से पालन करने का आदेश दिया एवं सभी दुकानदारों को खाने पीने की सारी वस्तुओं को ढक कर रखने को कहा। सीआर विकास कुमार त्रिवेदी ने लापरवाही बरतने वाले कई दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई। अभी जब हम आए तो धनतेरस में याद पड़ रहा है। केस पेन या मार्कर होता है जी, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट जी और एक्सपायरी डेट ये लिख दिया है। मान लीजिए कोई मिठाई आप बनाए इसका बीच होता है जी, वो उतना दिन डालिए, ग्राहकों को पता होना चाहिए। हाँ, जो मिठाई अगर मान लीजिए हाँ 6 दिन तक चलने लायक है, आज आज आपके पास नहीं जाता है, हम यहाँ रह जा रहे हैं, हमको भी पता है 4 दिन और भी रख सकते हैं, समझ गए। इसलिए वो डेट जरूर डाले और ग्लव्स में कोई बहुत ज़्यादा खाना है, ग्लव कैप जो भी मिठाई सर्व करते हैं और एप्रॉन, जैसे कि आपका वो गुड़ का रसगुल्ला है। निकल जाइए ही आपके काउंटर से हट जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक्सपायर्ड आइटम आपके काउंटर से नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात है, हर एक मिठाई के सामने मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर, मतलब तब तक वो कंटेनेबल है, क्योंकि अलग अलग मिठाइयाँ अलग अलग समय तक चलती हैं, तो वो आपका एक बार आप प्लास्टिक का बोर्ड बना लीजिए और उसमें कागज से चिपकाते जाइए, प्रतिदिन आप अपना चेंज कर लीजिए मिठाइयों के अनुसार किस तरह बनाइएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये गलत। दूसरी बात है कि आप पहनिए, एप्रॉन दीजिए बेचने वाले। फोन लगा।